हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सोनी वर्ल्ड। फ्रेंड मैं आज आपको बताऊंगी कि हाउ टू गेट रिड ऑफ लार्ज पोर्स ओपन पोर्स जो आपके नोज पे हो जाते हैं, आपके यहाँ पे स्पेशली दिस एरिया हो जाते हैं। सो हाउ टू श्रिंक लार्ज पोर्स ओपन पोर्स एंड लार्ज पोर्स एंड ओपन पोर्स इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट हेड्स। जो आपके ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, जो मेन कारण होता है उसका, जब वो होता है, जो होते हैं लार्ज पोर्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, वो लगते हैं एक संतरे के छिलके की तरह, जैसे हमारा ऑरेंज पील होता है वैसे लगते हैं। तो मेरे भी जो है यहाँ पे चीक्स की इधर साइड मेरे हो गए थे जो लार्ज पोर्स ओपन पोर्स हो गए थे। तो क्या होता है, जिससे हमारे ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, तो बहुत ही वो स्किन बहुत जिस इज अ साइन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एजिंग। उससे आपको पिंपल्स भी आ जाएंगे, ब्लैकहेड्स आ जाएगा, क्योंकि जब आपके ओपन पोर्स होंगे तो डर्ट बहुत जल्दी आपके स्किन पे कलेक्ट होगी। तो वट इज द होम रेमेडी टू हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, घर पे कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, हाउ टू श्रिंक उनको, श्रिंक कैसे कर सकते हैं ओपन पोर्स को और लार्ज पोर्स को। तो हम जानते हैं कि नेचुरल तरीका, वट इज द होम रेमेडी टू गेट रिड ऑफ ब्लैक सॉरी लार्ज पोर्स ओपन पोर्स। सो जो मैं बता दूं कि आपका जो ओपन पोर्स और लार्ज पोर्स होता है, जब हमारा सीबम जो बनता है सीबम, तो क्या करता है वो कलेक्ट होने लगता है, और जो हमारे जो ओपन पोर्स जो हो जाते हैं वो उसको क्या करता है, उसमें क्लॉग कर देता है, अपने हमारे जो पोर्स को बंद करता है। तो क्या होता है, प्रॉपर जो हमारी स्किन है वो ब्रीथ नहीं कर पाती और डर्ट कलेक्ट होने लगता है। तो हमारी स्किन काफी डल लगती है, काफी बेजान लगती है। तो मेरे भी जो है यहाँ पे ओपन पोर्स लार्ज पोर्स हो गए थे, बहुत बड़े बड़े पोर्स हो गए थे। तो वो मैंने कैसे रिमूव किया होम रेमेडी के थ्रू, तो देखते हैं। और फ्रेंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बहुत ही अच्छे डीआईवाई स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर से आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना होम रेमेडी फॉर लार्ज पोर्स ओपन पोर्स। तो फ्रेंड सबसे पहले हमको चाहिए होगा स्क्रब। तो हमने क्या लिया है, ये मैंने बारीक शुगर लिया है, ये शुगर को मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, और मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें लगभग 1 टीस्पून डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, और हमें इसमें क्या डालना है, लेमन। मैं इसमें हाफ लेमन जूस स्क्वीज कर दूंगी। तो फ्रेंड ये हमारा स्क्रब रेडी है, आप देख सकते हैं। और जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, जहां पे आपके लार्ज पोर्स है यानी कि ओपन पोर्स है, तो आप उसको अच्छे से स्क्रब करें। इसका क्या रीजन है, आपके जितने भी ओपन पोर्स के अंदर डर्ट है वो निकल जाएंगे। तो हम अपने जो है हमारा अफेक्टेड एरिया, तो आप वहां लगाएंगे जहां जहां आपके लार्ज पोर्स है यानी कि ओपन पोर्स है। अच्छे से आप इसको 5 मिनट तक आप इसे जेंटली अपने जो फिंगर टिप से इसे मसाज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 5 मिनट तक स्क्रब के अच्छे से मसाज की थी। अब मैंने इसको पोंछ दिया है, और हमें क्या लेना है, हमें आइस बनानी है। यानी कि जितने भी सिट्रिक एसिड फूड होते हैं वो हमारे लार्ज पोर्स और ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑरेंज। ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है, तो हमें ऑरेंज का जूस लेना है, फ्रेश लेना है, और हमको लेना है लेमन। तो हमें लेमन और ऑरेंज का जूस लेना है इक्वल क्वांटिटी में। हम इसकी आइस जमाएंगे, और हमें इसको क्या करना है, हमें धीरे धीरे मसाज करना है अपने फेस पे। फ्रेंड हमने लिया है 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस, ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, और हमने 1 टेबलस्पून लिया है लेमन जूस। अब हम क्या करेंगे, एक साफ कंटेनर में ये दोनों ही जूस हम डाल देंगे। ये हमने लेमन जूस डाला है और ऑरेंज जूस, और हम इसे जमा देंगे, आइस जमा देंगे इनकी, क्योंकि हम आइस जमा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आइस जमाई थी, अभी जम चुकी है। तो मैं इसको क्या करूंगी, हमें इसे निकालना है, और इसे अपने जो भी हमारा कंसर्न एरिया है, चाहे हमारे नाक पे लार्ज पोर्स है, ओपन पोर्स है, वहां पे आप क्या करें, आप जो स्क्रब मैंने आपको बोला था वो बना के रख लें, और ये जो आपको मैंने बताया था बर्फ या आप काफी जमा लें, ताकि आप रोज इसे जब भी निकालें, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप 5 मिनट अच्छे मसाज करें। आपको ये आपको प्रेशर से मसाज करना, जो भी आपका, जैसे कि मेरे यहाँ था तो मैं यहाँ पे प्रेशर से ऐसे मसाज करती थी, ऐसे हमको प्रेशर दे के मसाज करना है पूरे अपने, जहां भी हमारा कंसर्न एरिया है, जहां हमारे लार्ज पोर्स है, ओपन पोर्स है, तो हम इसे अपने लार्ज पोर्स से जो है श्रिंक कर सकते हैं, अपने लार्ज पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे हमें इसे 5 मिनट तक करना है। ये देखिए मैंने 5 मिनट तक आइस से अपने फेस पे अच्छे से मसाज किया था, और फ्रेंड ये 101% इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज किया हुआ है। मेरे पहले इस चीक्स के पास जो है
मेरे वो हो गए, ओपन पोर्स हो गए थे, लार्ज पोर्स हो गए थे, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या किया था, लेमन जूस और ऑरेंज जूस को इक्वली मैंने आइस जमा ली थी। और जब भी पिंपल्स टाइम होता था, स्पेशली आप रात को लगाएं, आई रिकमेंड कि रात को ज़्यादा आपका असर वो होता है। तो मैंने रात को, मैं हमेशा जब भी पिंपल्स टाइम होता तो मैं अच्छे से मसाज करती थी आइस से, और वो जो मैंने स्क्रब बनाया था वो लगाती थी पहले। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये होम रेमेडी हाउ टू गेट रिड ऑफ लार्ज पोर्स, ओपन पोर्स और हाउ टू मिनिमाइज लार्ज पोर्स और ओपन पोर्स, और ये जो है नेचुरल तरीका है, आप घर पे आजमा सकते हैं। और ये जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, यही आपके ब्लैक हेड्स और जो है वाइट हेड्स की प्रॉब्लम के जो पिंपल्स हो जाते हैं, ये सब इसी से ही होता है। सो इफ़ यू लाइक माई होम रेमेडी, डेट अपने घर पे आप कैसे आप नेचुरल तरीके से ओपन पोर्स और लार्ज पोर्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, सो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं किसी नए होम रेमेडी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।